अगर हमारा ऑडी एम्प्टी होता तो हम वहाँ पे जाके यूज करके हम डायरेक्ट डेमो। लेकिन आपको समझ में आना, ये हो गया ब्रांच पाइप, ये कैनवास हाउस पाइप, बराबर। इसको ऐसे पकड़ेंगे हम लोग और एम द बेस ऑफ फायर, और पीछे से कमांड देंगे वॉल ओपन करो, वॉल ओपन करो, ओपन द वॉल, और ये कमांड देना है हमको, नहीं तो हम अभी देखो मैं रेडी नहीं, ऐसे ऐसे कर रहा है, उसने पानी छोड़ मत, हाँ तो गया, तो ये बात है। तो इसके लिए हमको क्या करना जरूरी है, क्या करना जरूरी है हमको, हमको कमांड देना है, क्या करना है, क्या बोलते हैं, राउंड द क्लॉक, राउंड द क्लॉक, क्लॉक यानी घड़ी, क्लॉक यानी घड़ी, राउंड द क्लॉक यानी इस तरह से हम ओपन करेंगे और निशाना इस तरह से रखेंगे। गुड आफ्टरनून। लेकिन ये हफ्ते में 10 दिन में ये उसको हम लोग क्या करेंगे, डेमो प्रैक्टिकल ये करके हम लोग रेडी रहेंगे। इफ एनी इंसिडेंट हैपन व्हाट वी विल डू, वी विल फाइट विद दिस इक्विपमेंट्स, समझ गए सब लोग, ये इक्विपमेंट से हम लोग फाइट कर सकते हैं। इसके लिए हमको इसकी प्रैक्टिस भी करना चाहिए, हमको रेडी पोजिशन में रहना, रेडी। नाम जितेंद्र पाठर है, मैं आपको फायर एक्सटिंग्विशर कैसे ऑपरेट करना है वो बताऊंगा, और हमारे यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स लगे हैं, कौन से इक्विपमेंट लगे हैं, फायर एक्सटिंग्विशर है फर्स्ट, सेकंड हमारे यहाँ पे स्मोक डिटेक्टर है, और हमारे यहाँ पे क्या है, स्प्रिंकलर है, हमारे यहाँ पे क्या है, और ऑडी में क्या है, ऑडी में हमारे पास स्मोक डिटेक्टर भी है, फायर एक्सटिंग्विशर भी है, और फायर अलार्म स्मोक डिटेक्टर मैनुअल कॉल पॉइंट है, बराबर है ना, मैनुअल कॉल पॉइंट है, स्प्रिंकलर भी है, और कौन सा इक्विपमेंट है, होज बॉक्स है, कौन सा, फायर होज बॉक्स जो रेड कलर का है, वो होज बॉक्स है, उसके अंदर जो क्या रहता है, उसके अंदर कैनवास, कैनवास होज पाइप रहता है, कौन सा रहता है, कैनवास होज पाइप, उसके आगे एक साइड में मेल कपलिंग होता है, दूसरे साइड में फीमेल कपलिंग होती है, फीमेल कपलिंग होता है, मेल कपलिंग होता है, और क्या होता है, मेल कपलिंग और फीमेल कपलिंग के आगे क्या होता है, एक ब्रांच पाइप होता है, ब्रांच पाइप मालूम है ना, नोजल ब्रांच पाइप वो होता है, बराबर कि नहीं, तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। पहले हम आग कैसे लगती है, किन चीज़ों से आग लगती है, कौन से वो तीन चीज़ें है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हीट, एयर, और एयर, ऑक्सीजन हीट और फ्यूल, ऑक्सीजन ट्रायंगल ऑफ द फायर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ट्रायंगल ऑफ द फायर, ऑक्सीजन हीट और फ्यूल, ये तीन चीज़ें एक साथ जब आती है तो आग लगती है। ऑक्सीजन हवा में, ऑक्सीजन है बराबर कि नहीं, तो ऑक्सीजन जब हवा में होती है तो आग लग सकती है, मगर उसके साथ क्या होना चाहिए, हीट, तापमान, टेम्परेचर, समझ गए, आग की तीली, और उसके बाद में फ्यूल, फ्यूल कौन सा, फ्यूल अभी फ्यूल देखा जाएगा कहाँ कहाँ पे आग लगती है, दीवार को तो नहीं लगेगी, लकड़े को लगेगी, बराबर, वो क्लास ए क्लास ऑफ फायर आएगा, कपड़े को लगेगी, ए क्लास ऑफ फायर है, और फुटे को लग सकती है, ए क्लास ऑफ फायर हो गया, फिर बी क्लास ऑफ फायर, पेट्रोल को लग सकती है, लिक्विड को लग सकती है, पेट्रोल, ये केरोसिन और डीजल, ये बी क्लास ऑफ फायर आया, सी क्लास है ना, गैस की फायर, ये सब फ्यूल है, मैं जो बता रहा हूँ ना, ये जो क्या है, फ्यूल है, फ्यूल, फ्यूल के बिना आग नहीं लग सकती, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या है, फ्यूल हुआ, बराबर, इलेक्ट्रिसिटी, और क्या है, गैस है, सी टाइप ऑफ फायर गैस फायर बोलते हैं उसको, डी टाइप मेटल फायर बोलते हैं, बराबर, और ई टाइप यानी इलेक्ट्रिसिटी फायर बोलते हैं, बराबर। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हमको हीट को हटाना है, हीट यानि आग, बराबर, हमको हीट को हटाना है, हम लोग क्या करेंगे, अभी लकड़े को लगी हुई आग, हम लोग क्या कर सकते हैं, पानी से बुझा सकते हैं, यानी हम लोग क्या करते हैं,
पानी से बुझा सकते हैं, लकड़े को लगी हुई आग को हम लोग पानी से बुझा सकते हैं, यानी हीट को क्या करेंगे हम लोग, कूलिंग करेंगे, क्या करेंगे हीट को ऑपोजिट हमको कूलिंग करेंगे तो आग बुझ जाएगी, यानी हीट ऑक्सीजन और फ्यूल में हमने हीट को पानी से बुझा दिया तो क्या हुआ, आग बुझ गई, बुझ जाएगी बराबर, यानी हीट कूलिंग, हीट को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, कूलिंग करूंगा, क्या करूंगा, कूलिंग करूंगा, ओके, हीट को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, कूलिंग करूंगा, और cooling. अभी हीट हुआ, मैंने क्या किया, पानी डाल दिया और आग बुझ गई, यानी हीट को हटाने के लिए मैं कूलिंग करूंगा। अभी उसके बाद सेकंड पार्ट है ट्रायंगल ऑफ द फायर, हीट ऑक्सीजन और फ्यूल। अभी ऑक्सीजन की तरफ आते हैं हम लोग, ऑक्सीजन को हम कैसे हटाएंगे, कौन बता सकता है ऑक्सीजन को कैसे हम हटा सकते हैं, बताएं ऑक्सीजन कैसे हटा सकते हैं। अभी देखो ऑक्सीजन एक लैंप, दिया जलता है बराबर कि नहीं, दिया जलता है तो हम लोग कैसे हटाते हैं, हवा, दीवा को, दिए को हम कैसे बंद करते हैं, ऊपर से ढक देते हैं, ऊपर से ढक देते हैं, बराबर सही जवाब, क्या बताया आपने, ऊपर से ढक देते तो बंद, ढक देते हैं, ऊपर से ढकने के बाद क्या होता है, दिया जल जाता है, जल नहीं जाता है, दिया फड़फड़ाता है, बुझ जाता है, फड़फड़ा के बुझ जाता है, फड़फड़ा के बुझ जाता है, यानी हम लोग क्या करते हैं, ब्लैंकेटिंग, समझ गए, ऑक्सीजन को हम लोग कैसे हटाएंगे, वही ऊपर से ढक देंगे, ब्लैंकेटिंग, क्या ब्लैंकेटिंग, ब्लैंकेटिंग, ऑक्सीजन को हटाएंगे तो ब्लैंकेटिंग। अभी देखो आपके शरीर के ऊपर भी हाथ लग गया, आपके शरीर के ऊपर भी आग लगे तो हम लोग क्या करते हैं, ब्लैंकेटिंग करते, चलो खड़ा करके चद्दर डाल दिया और क्या करेंगे, ऑक्सीजन खड़ा करेंगे, हम लोग रोलिंग करेंगे तो क्या होता है, समझ गए, तो क्या होगा, जैसे हम रोलिंग करेंगे तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी, आग बुझ जाएगी, यानी ऑक्सीजन कट होगा और आग बुझ जाएगी। अभी ये फायर एक्सटिंग्विशर क्या काम करेगा, वो आग बुझ जाएगा, यानी क्या होता है, हीट हीट को हटाता है, क्या ऑक्सीजन को हटाया था, क्या फ्यूल को हटाता है, ये फायर एक्सटिंग्विशर क्या करता है, हीट यानी कूलिंग, यार पानी नहीं डाल रहे हम लोग इसमें से, क्या कर रहे हैं हम लोग, पाउडर डाल रहे हैं, पाउडर, हाँ तो क्या कैसे क्या होता है, तो हम लोग ऑक्सीजन हटाते हैं क्या, फ्यूल हटाते हैं क्या, हीट हटाते हैं, क्या हटाते हैं हम लोग, यानी पानी डालेंगे तो हीट हटाएगा, ये फायर है, ये फायर एक्सटिंग्विशर, क्या हटाते हैं हम लोग, हीट हटाते, हीट कैसे हटाएंगे, हीट कैसे हटाएंगे, हीट यानी कूलिंग करेंगे भाई, हीट कूलिंग, कूलिंग, कूलिंग करने के लिए हमको एक कूलिंग हो रहा है, ये फायर एक्सटिंग्विशर, पाउडर, ब्लैंकेटिंग, ब्लैंकेटिंग, एक पाउडर की चादर उसके ऊपर, ब्लैंकेटिंग क्या करेंगे, ब्लैंकेटिंग करेंगे, यानी ऑक्सीजन को हटाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करने के बाद क्या होगा, ब्लैंकेटिंग, क्या होगा, ब्लैंकेटिंग होगा, समझ गए, यानी हीट को हटाने के लिए पानी का इस्तेमाल करके कूलिंग करेंगे और ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग ब्लैंकेटिंग करेंगे और आग बुझा देंगे। उसके बाद में क्या आएगा, हीट हुआ, ऑक्सीजन हुआ और तीसरा कौन सा, फ्यूल, समझ गए, फ्यूल, 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 अभी फ्यूल मैंने बताया आपको, लकड़े को, पुट्टे को और कपड़े को, ये एक ग्लास का फायर है उसमें, वो फ्यूल हो गया, फिर बाद में पेट्रोल डीजल केरोसिन, वो भी फ्यूल हुआ, फिर बाद में गैस, वो भी फ्यूल हुआ और इलेक्ट्रिसिटी, वो भी फ्यूल हुआ। अभी फ्यूल को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, फ्यूल को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, स्टारवेशन, स्टारवेशन क्या करेंगे, फ्यूल को हटाने के लिए मैं स्टारवेशन करूँगा, क्या करूँगा, स्टारवेशन, 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 समझ गए, स्टारवेशन क्या करेंगे हम लोग, स्टारवेशन, स्टारवेशन का मतलब क्या है समझ में आया आपको, स्टारवेशन का मतलब, स्टारवेशन, स्टारवेशन का मतलब क्या है, पीछे 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 हाथ पीछे, स्टारवेशन का मतलब, स्टारवेशन का मतलब हम लोग इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद करना, इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग स्टारवेशन कैसे करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे, यानी सप्लाई बंद करेंगे, यानी स्टारवेशन हुआ, यानी उसको रोक दिया वहीं पे, ये तो फड़फड़ाते बैठेगा वो, और हम लोग यहाँ से फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने को गया, होज कैनवास होज पाइप से आग बुझाने को गया तो क्या होगा, आग इधर से चालू है सप्लाई और इधर से
वो हमारा फायर चल रही खत्म हो जाएगा, लेकिन वो सप्लाई चालू होने की वजह से और बढ़ते गए। तो हम लोग को हमेशा क्या करना है, स्टारवेशन करना है, फ्यूल को हटाना है, यानी इलेक्ट्रिसिटी की आग लग गई हम लोग क्या करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे। गैस की आग लगी हम लोग क्या करेंगे, गैस की आग लगती है तो क्या करते हैं हम लोग, ब्लैंकेटिंग करेंगे। गैस की आग लगती है तो हम लोग स्टारवेशन कैसे करें, स्टारवेशन का बात कर रहा हूँ, स्टारवेशन हम लोग कैसे करेंगे, वॉल बंद करेंगे, बराबर, यानी वो स्टारवेशन यानी सप्लाई बंद कर रहा हूँ। अभी लकड़ी को आग लग गई, इधर लग गई उधर लग गई, बराबर है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर सामान है, सामान यानी फ्यूल, जो सामान को हम लोग साइड में करेंगे। अरे भाई ये भी जल जाएगा, ये भी जल जाएगा, फटाफट हटाओ। तो ये जो फटाफट हटाते हैं हम लोग, क्या हटाते हैं, फ्यूल को हटाते हैं। फ्यूल को हटाना मतलब स्टारवेशन, यानी हम हीट को हटाने के लिए कूलिंग करेंगे, ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम ब्लैंकेटिंग करेंगे, और फ्यूल को हटाने के लिए स्टारवेशन करेंगे। क्या करेंगे, स्टारवेशन। तो हमेशा ध्यान में रखना है, जब इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो हमको स्टारवेशन करना जरूरी है पहले, क्योंकि हम सप्लाई बंद करेंगे, बराबर। गैस की आग लगती है हम लोग क्या करेंगे, पहला मेन वॉल बंद करेंगे, वॉल बंद करके तो जो सप्लाई बंद होने के बाद क्या जो ऊपर का जला है वही जलेगा, उसको हम लोग ये फायर एक्सटिंग्विशर से बुझा सकते हैं। पानी से, अगर साधारण आग है तो पानी से बुझा सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान में रखना हमको क्या करना है, पहले स्टारवेशन, क्या करेंगे हम लोग, स्टारवेशन करने के बाद क्या हो जाता है कि सप्लाई वहाँ पे हम लोग रोक देते हैं, और आगे की जो आग लगी है छोटी वो हम बुझा सकते हैं, क्योंकि सप्लाई अगर बंद नहीं करेंगे और वो यहाँ से वो उधर से डिस्कियाँ और इधर से डिस्कियाँ बढ़ते जाएगा, तो हम लोग फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा 3 मिनट का आग जो रहता है, 2 मिनट का आग रहता है, 1 मिनट का आग रहता है, उसको ही बुझा सकते हैं, छोटा आग, छोटा आग ही बुझा सकते हैं, छोटा आग ही बुझा सकता है, तो भड़केगी, तो इसके लिए भड़कने से पहले हमको भड़कने का रुकने का है, क्या करने का हमको, स्टारवेशन, कोई भी आग लगती है पहले स्टारवेशन करो, अरे सब जल जाएगा तो बाजू करो, हटा सकते तो वो स्टारवेशन हुआ, और बुझाना हमारा कूलिंग हुआ और ऑक्सीजन कट हुआ, ब्लैंकेटिंग यानी ऑक्सीजन कट हुआ यानी ब्लैंकेटिंग, ये समझ गए ना, ऑक्सीजन को हटाने के लिए ब्लैंकेटिंग करेंगे, फ्यूल को हटाने के लिए स्टारवेशन करेंगे, और हीट को हटाने के लिए हम लोग कूलिंग करेंगे, ये समझ गए ना। हाँ ठीक है, अभी ये जो फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग कैसा यूज करने का है, उसका मेथड क्या है, पास, कौन सा मेथड है, पास का स्पेलिंग क्या है, PASS, पास, P for pull the safety pin, क्या करेंगे हम लोग, ये हमारा सेफ्टी पिन है, क्या है, इसको हमने क्या किया, पुल किया, पुल द सेफ्टी पिन, हमको हमेशा पुल द सेफ्टी पिन करना है, नहीं तो हम लोग ऐसे कुछ यूज करने जाएंगे तो क्या होगा, देखो अभी इसका निशाना किधर है, नीचे, हम लोग ऐसे दबाएंगे तो हो जाएगा क्या, नीचे जाएगा, निशाना भी ध्यान में रखना है, यानी पुल द सेफ्टी पिन करने के लिए, पुल द सेफ्टी पिन अगर मैंने नहीं किया तो दबाएंगे डायरेक्ट तो होगा क्या, दबेगा, क्योंकि वो अटका है, वो पुल द सेफ्टी पिन निकालना जरूरी है, उसके पहले भी उसके बाद में हमको क्या करना है, एम नहीं करेंगे और डायरेक्ट दबाएंगे तो चलेगा क्या, तो निशाना किधर है, इधर है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सेकंड अल्फाबेट क्या है, ए फॉर एम द बेस ऑफ फायर, यानी एम, ये मैंने निशाना ताक दिया, लेकिन हमेशा देखने का है, जो स्टार्ट करने से पहले हमको ये जो प्रेशर गेज है दिख रहा है आपको, ये हमेशा ग्रीन पे रहना चाहिए, अगर ये रेड पे रहेगा तो इसके अंदर प्रेशर नहीं रहेगा और इसके अंदर से पाउडर बाहर नहीं निकलेगी, तो हमेशा देखना है ग्रीन पे है यानी इसके अंदर प्रेशर है, हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर एम द बेस ऑफ फायर, यानी एम द बेस ऑफ फायर यानी एम यानी निशाना लगाना, बी फॉर बेस यानी जहाँ पे आग लगी है हम उसके फ्लेम के ऊपर निशाना नहीं लगा दागना है, हमको बेस पे जहाँ पे आग लगी है निशाना लगा, एम द बेस ऑफ फायर, और फिर बाद में क्या करेंगे, इसको दबाएंगे, क्या करेंगे, इसको दबाएंगे यानी स्क्विच द लीवर, यानी लीवर को हम दबाएंगे, और फिर बाद में दूसरा, तीसरा अल्फाबेट क्या है, चौथा अल्फाबेट, स्वीप होस पाइप, ये जो पाइप है होस पाइप, स्वीप होस पाइप साइड बाय, समझ गए। अभी ये सेम है, ये प्रोसीजर दूसरा है, ये हमारे यहाँ पे पाउडर है, इसमें से पाउडर बाहर निकलेगी, मगर इसमें से क्या निकलेगा बाहर, CO2,
सीओडी का फुल फॉर्म क्या है? कौन बता सकता है सीओडी का फुल फॉर्म? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड? गर्म होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है? ठंडा होता है। अभी इसको हम लोग कैसे पकड़ेंगे? हाथ से। अभी कैसे पकड़ा था? नीचे से। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है, लेफ्ट हैंड से हम हैंडल को पकड़ेंगे। कैसे? हैंडल को पकड़ेंगे हमेशा, क्योंकि यहाँ पे कूलिंग होगा, ठंडा निकलेगा, ये जो निकलेगा वो ठंडा निकलेगा बराबर कार्बन डाइऑक्साइड। हमेशा ध्यान में रखो, लेफ्ट हैंड से हैंडल को पकड़ेंगे और फिर बाद में क्या करेंगे? पहला अल्फाबेट क्या है? पुल द सेफ्टी पिन। ये जो पिन है, लेकिन उसके पहले हमको सील तोड़ना होता है। अगर सील नहीं तोड़ दिया तो नहीं निकलेगा पिन। नहीं निकलेगा पिन, समझ गए? ठीक है, ठीक है। हाँ देखो, इन्होंने सील तोड़ दिया है, समझ गए? पुल द सेफ्टी, मैंने सेफ्टी पिन निकाल दिया। ध्यान में रखना, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग पैनिक हो जाते हैं, यार क्या करना क्या नहीं करना है, तो हम लोग सील तोड़ के पुल निकालना, क्योंकि ये पी फॉर पुल द सेफ्टी पिन हो गया, लेकिन सील विदाउट ब्रेकिंग सील यू कांट ओपन द पिन। ठीक है, अभी इसके बाद में निशाना हमेशा ध्यान में रखना है। पुल द सेफ्टी पिन, एम द बेस ऑफ फायर। कहीं पे भी आग लगी है, इलेक्ट्रिसिटी की आग ज्यादा करके देखो, अभी ये केबल जल रहा है वहां पे, निशाना मैंने लगा दिया है। और फिर बाद में, लेकिन ये अभी वॉल को मुझे ओपन करना है, कौन से जगह पे ओपन करेंगे, लेफ्ट में या राइट में? कभी कभी क्या होता है, हम लोग को ये ऐसे वापस हो उसको ही टाइट कर देते हैं, तो हमको हमेशा मालूम होना चाहिए कि कौन से जगह पे होना। राउंड द क्लॉक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक, क्लॉक यानी घड़ी, क्लॉक यानी घड़ी। राउंड द क्लॉक यानी इस तरह से हम ओपन करेंगे और निशाना इस तरह से रखेंगे। ठीक है, समझ में आया सबको? हाँ। ये देखो, अभी आप लोग यहाँ पे हाथ लगा के भी देख सकते हैं कि ये कूल हुआ है थोड़ी देर, समझ गए? तो ये हमेशा ध्यान में रखना है, इसमें से क्या निकलेगा? CO2। अभी ये कभी भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वॉल को हम लोग बंद भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बंद भी कर सकते हैं। बंद भी कर सकते, यानी ये वॉल को हमने बंद कर दिया तो क्या हुआ? रुक गया। ओपन किया, फटा करके क्या निकला? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकला बराबर। और कैसा था वो? कूल था, हीट था, क्या था? कूल था, कूल था, कूल ठंडा रहता है वो, समझ गए? और उसका कोई ये नहीं होगा, देखो कुछ नहीं होगा, गंदगी फैल गई नहीं। इसमें से क्या होगा, ये अंदर ऑफिस में यूज कर सकते हैं हम लोग, कंप्यूटर है वहां पे, तो हम लोग ये पाउडर यूज करेंगे तो कंप्यूटर डैमेज हो जाता है, छोटी सी आग लगे तो हम लोग इसको मगर उसके पहले हमेशा ध्यान में रखना है स्टारवेशन। इलेक्ट्रिसिटी की आग लगने के लिए हम लोग ये बुझा सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं CO2 का, और बाहर आग लगती है तो हम लोग ये ABC का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। इसमें से जो निकलेगा वो पाउडर निकलेगा, सब जगह पे पाउडर 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 पाउडर, समझ गए? तो ये गंदगी ये फैल सकती है और इसका सब पाउडर किस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं बराबर ना। जब भी आपको लगा कि यहाँ पे कुछ हुआ है तो हम लोग इसका फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके हम आग बुझा सकते हैं। अभी हमको हम किसके बारे में जानकारी देंगे? अभी स्मोक डिटेक्टर मालूम है आपको? जो सिगरेट पीते बीड़ी पीते तो धुआं आता है। स्मोक डिटेक्टर, स्मोक का मतलब धुआं, धुआं। तो कोई भी धुआं, कोई भी धुआं अगर वो स्मोक डिटेक्टर में जाएगा तो क्या होगा? एक्टिवेट होगा। क्या होगा? जैसे एक्टिवेट हो गया उधर उसका सायरन है वो बजते रहेगा, अलार्म बजेगा, जहाँ जहाँ पे अलार्म है वहाँ सब जगह पे बजेगा, समझ गए सबको? स्मोक डिटेक्टर, एनी टाइप ऑफ स्मोक। उसके लिए ऐसा नहीं, कोई कार्पेंटर का वर्क भी होता रहेगा तो उसका भी धुआं अगर ऊपर गया स्मोक बजेगा, तो हम वॉशरूम में कोई पीता है तो स्मोक डिटेक्टर सब जगह बजेगा क्या?
सब जगह पे, क्योंकि एक्टिवेट होगा उसके अंदर धुआं चला जाएगा तो सेंसर एक्ट करेगा, सूंघेगा, अरे गया अंदर, तो वो पहले से क्या होता है, आपने डिवाइस देखा रहेगा स्मोक डिटेक्टर का, क्या होता है वो स्मोक डिटेक्टर में, लाइट ब्लिंकिंग करती है, ब्लिंक होता है, जैसे धुआं अंदर चला गया वो उसका सायरन बजेगा, लेकिन वो दिया क्या, दिया का क्या होगा, वो रेड लाइट जो होती है वो कंटिन्यूसली चलती ही रहेगी, वो ब्लिंकिंग नहीं होगा, समझ, यानी इसका समझ जाने का कि ये एक्टिवेट हो गया और सायरन सब जगह पर बजेगा, मगर इसका हमको पता कब चलेगा, कहाँ पे है, कैसा पता चले, जैसे सायरन बजेगा हम लोग कहाँ पे जाना हमको चाहिए, किसी को मालूम नहीं है कि ये कहाँ पे है, लोकेशन कहाँ पे है, कहाँ पे पी रहे, सिर्फ पीना ही जरूरी नहीं है, आग भी लगी रहेगी, कोई कुछ किया रहेगा, आग लगे धुआं तो जाएगा ही, तो वो भी हो सकता है, तो हमको इसके लिए तुरंत कहाँ पे जाना चाहिए, हमको जो कंट्रोल रूम में है, पैनल है हमारा, एड्रेसेबल पैनल बोलते हैं उसको, वहाँ पे जाना है, उसका एड्रेस देखना है और उस जगह पे पहुँचना जरूरी है, हमारा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि कंट्रोल पैनल कम ऑनलाइन, बराबर कि नहीं, हाँ वहाँ पे देखो एक्टिवेट हुआ है कि नहीं, यहाँ पे स्मोक डिटेक्टर अलार्म बज रहा है, स्मोक डिटेक्टर शायद एक्टिवेट हुआ हो सकता है, नहीं तो, और दूसरा कौन सा चीज है, एक स्मोक डिटेक्टर है और दूसरा रेड कलर का मैनुअल, मैनुअल कॉल पॉइंट 68 डिग्री स्प्रिंकलर क्या होता है, स्प्रिंकलर शॉवर वाला, बराबर है, उसके अंदर मर्क्यूरी ट्यूब होती है, लेकिन वो कब, पहले स्मोक डिटेक्टर से हमने हमको पता चला, फिर बाद में आग लग गई है हम लोग बुझा नहीं पा रहे हैं, और स्प्रिंकलर बाद में क्या काम करेगा, हीट जनरेट हुआ, क्या हुआ, हीट जनरेट हुआ और 68 डिग्री क्रॉस करने के बाद वो ट्यूब फट जाएगी और पानी बहना चालू हो जाएगा, सराउंडिंग एरिया से पानी बहना चालू, हमको कुछ करना नहीं, समझ गए, और हीट होने के बाद वो तुरंत उसका काम करेगा, पानी से आग बुझना चालू हो जाएगा, कई पे भी हुआ रहेगा, इंसिडेंट हुआ रहेगा, ये क्रॉस करने के बाद स्प्रिंकलर ऑटोमेटिक चालू होना चाहिए, तो ये काम अपना उसका होता है, वो नुकसान ज़्यादा होता है, पानी पानी फैल जाएगा और सब जगह पे खराब हो जाएगा, तो इसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर से पहले आग बुझाओ, नहीं तो आगे चल के तो ऑटो में जो काम कर रहे हैं वो होगा ही, वो फिर उसके बाद में हमारे पास क्या है, और क्या हमारे पास क्या है, हीट डिटेक्टर, समझ गए, और हमारे पास अपना इक्विपमेंट कौन सा है, होज ड्रिल, होज ड्रिल है, अभी उधर जाना है क्या, क्या इतना ही नहीं जा सकते ना, हमारे पास ऑडी में देखो अभी कहीं पे भी अगर लगता है सीट जल रही है, वहाँ पे क्या हुआ, आग लग गई, शुरुआत हो गई, पर स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट हुआ, ये सब हुआ, तो हमको क्या करना है, होजरील को ओपन करना है, मालूम है ना, होजरील रबर का होता है वो, मालूम है ना, ब्लैक कलर का, आगे क्या रहेगा उसका, वॉल रहता है, ऑन ऑफ करने के लिए, जैसे ही जहाँ जहाँ पे हुआ है, अभी लगता है कि वहाँ पे हुआ है, तो चलो एग्जिट गेट पे, गेट के सामने ही अपना होजरील का ये है ड्रम है, वो ड्रम घुमा के होजरील को लेके दौड़ के आगे बढ़ने का, और जहाँ पे आग लगी है उस जगह पे एम करने का, और पाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, आग बुझा सकते हैं, बराबर, उसको कौन सा, उसका आगे क्या लगा, शटअप नोजल, क्या है नोजल, हमारे यहाँ पे नोजल है, तुम्हारे यहाँ पे ये है ना, वॉल है अपना, वॉल ऐसा बंद करना है, चल कल किया था ना अपन परसों, वॉल है वो ऐसा है, वॉल है, तो वो वॉल को ऑन करेंगे, पानी आना चालू हो जाएगा, हमारा जहाँ से ड्रम है वहाँ पे वॉल ओपन करना है, और आगे का वॉल ओपन करने के बाद पानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, आग बुझा सकते हैं, बराबर, तो ये होजरील का काम हुआ, उसके बाद में हमारे पास क्या है, दूसरा एक बाजू में बड़ी आग लगी है, ये पानी का डायमीटर कितना रहता है पाइप का, और फिर कैनवास होज पाइप उससे बड़ा रहेगा ये साइज में, बराबर कि नहीं, 30 मीटर का रहता है, 30 मीटर का वो रहता है, लेकिन वो फ्लैट रहता है, उसमें 10 केजी से तक प्रेशर हम लोग दे सकते हैं, हम लोग तो देते ही हैं, 10 केजी तक प्रेशर देता है, और क्या होगा, उसको यूज़ करने के लिए हमको
स्टैंड अप, स्टैंड बाय फायर हाइड्रेंट राइजर होता है, क्या होता है स्टैंड अप, स्टैंड बाय फायर हाइड्रेंट। अभी होज बॉक्स है, फायर होज बॉक्स में क्या रहता है, दो, कौन बता सकते, क्या बता सकते उसमें फायर होज बॉक्स में क्या होता है, लाल बॉक्स में वो पाइप रहता है व्हाइट वाला, कौन सा वाला पाइप, व्हाइट वाला पाइप को क्या बोलते हैं, कैनवास होज पाइप, कैनवास 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 होज पाइप, कैनवास होज पाइप बोलते, क्या बोलते हैं उसको, कैनवास होज पाइप। अभी एक कैनवास होज पाइप के आगे क्या होता है, कैनवास होज मेल कपलिंग, क्या होता है मेल कपलिंग, उसके नीचे फीमेल कपलिंग और उसके ऑपोजिट क्या रहेगा, फीमेल कपलिंग, समझ गए, मेल कपलिंग आगे रहेगा, फीमेल कपलिंग पीछे रहेगा, और आगे जो फीमेल कपलिंग है, अभी स्टैंड बाय फायर हाइड्रेंट राइजर में क्या रहेगा, मेल रहेगा फीमेल रहेगा, किधर पे स्टैंड बाय फायर हाइड्रेंट में, एक जगह पे जो स्टैंड है रेड कलर का जो पाइप है उसको वॉल होता है, उसको क्या अटैच करेंगे हम लोग, ऑलरेडी फीमेल है उसको, फीमेल को फीमेल नहीं अटैच होता है, फीमेल को मेल, अभी जो ये होल है, होल है वो फीमेल है, उसके अंदर लक्स है, समझ में, तो मेल कपलिंग जो कैनवास होज पाइप में जो मेल कपलिंग है उसको फीमेल, फीमेल कपलिंग के अंदर डालना है, क्या करना है समझ में, फीमेल कपलिंग में डालना है, पर वो हो गया मेल और फीमेल, अभी आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा, फीमेल कपलिंग, फीमेल आगे जाएगा वो फीमेल कपलिंग जाएगा, उसके उसके आगे क्या निकलेगा, क्या लगाएंगे हम लोग, नोजल, यानी ब्रांच पाइप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नोजल, नोजल ब्रांच पाइप, ब्रांच पाइप, ब्रांच पाइप बोलते हैं, जो आगे जो लगाते हैं हम लोग वो ब्रांच पाइप लगाते हैं, और वो फीमेल कपलिंग को अटैच होता है, ब्रांच पाइप ये मेल हुआ या फीमेल हुआ, दोनों, ब्रांच पाइप ये मेल हुआ, मेल, क्योंकि वो फीमेल के अंदर जाता है, फीमेल के अंदर जाता है, यानी मेल कपलिंग जैसे ही हुआ और उसको अटैच करेंगे, और उसको इस तरह से ये हुआ ब्रांच पाइप, ये हुआ, क्या हुआ, फीमेल कपलिंग हुआ, इसके अंदर से हम लोग आर डालेंगे, और ये पोजीशन में हम लोग क्या करेंगे, पकड़ेंगे, ये पोजीशन में हम लोग पकड़ेंगे और आग बुझाएंगे, आग बुझाएंगे, वहां से कमांड देंगे, पानी छोड़ो, वॉल ओपन करेंगे, और फिर बाद में जहां पे आग लगी है वो दिशा पे एम करेंगे और पानी छोड़ेंगे, क्या छोड़ेंगे, पानी छोड़ेंगे, क्या छोड़ेंगे, पानी छोड़ेंगे, ओके ओके ठीक है, सबको समझ में आया, समझ में आया सबको, हाँ, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कोई शक, मेल कपलिंग फीमेल कपलिंग ब्रांच पाइप, कोई शक, होज रेल, समझ गए, अभी हमारा अगर हमारा ऑडी, अगर हमारा ऑडी एम्प्टी होता तो हम वहाँ पे जाके यूज करके हम डायरेक्ट डेमो, लेकिन आपको समझ में आना, ये हो गया ब्रांच पाइप, ये कैनवास होज पाइप, इसको ऐसे पकड़ेंगे हम लोग और पानी छोड़ेंगे, क्या करेंगे, पानी छोड़ेंगे, ये पोजीशन में रहेंगे, एम एम द बेस ऑफ फायर, और पीछे से कमांड देंगे, वॉल ओपन करो, वॉल ओपन करो, ओपन द वॉल, ओपन द वॉल, और पानी छोड़ेंगे, क्लोज द वॉल, क्लोज द वॉल, ये कमांड देना है हमको, नहीं तो हम अभी देखो मैं रेडी नहीं, ऐसे ऐसे कर रहा है, उसने पानी छोड़ा, पानी छोड़ मत, हाँ तो गया, तो ये बात है, तो इसके लिए हमको क्या करना जरूरी है, क्या करना जरूरी है हमको, हमको कमांड देना है, क्या करना है, कमांड देना है, कमांड देना, हम लोग कमांड देंगे, हमारा देख मैं क्या बोलता है, कमांड देंगे, तब यहाँ से कमांड देने के बाद वो क्या करेगा, ओपन द वॉल, मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, ओपन द वॉल, और फिर बाद में बोलूंगा अरे खत्म हो गया, चलो क्लोज द वॉल, क्लोज द वॉल, ओपन द वॉल, क्लोज द वॉल, ये हमारा कमांड हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि क्या है कि मैंने बराबर पकड़ा नहीं, उसके पहले उसने वॉल ओपन कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, बराबर, ओके, सबको समझ में आया, कैनवास होज पाइप, मेल कपलिंग फीमेल कपलिंग ब्रांच पाइप होज रेल ड्रम, ड्रम मालूम पड़ा आपको कैसा है, ड्रम मालूम है आपको, ड्रम में होज रेल लपेटा हुआ रहता है, मालूम है ना, वो ड्रम जो रबर पाइप जो लपेटा हुआ होता है वो किस में लपेटा हुआ होता है, ड्रम में, ड्रम में, ड्रम में रेड कलर का जो ड्रम है मालूम है ना, है ओपन है, एक मिनट, ओके ओके, सबको सब समझ में आया, हाँ हो, सब एडिट करेंगे, एडिट करेंगे, उसमें गाना डालेंगे, ओके, सबको समझ में आया, हमको हमने क्या क्या हमने पढ़ा, फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में पढ़ा, ये एबीसी का फायर एक्सटिंग्विशर, ये कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर, उसके बाद में हमने क्या पढ़ा,
स्मोक डिटेक्टर के बारे में पढ़ा हमने, स्प्रिंकलर के बारे में पढ़ा, मैनुअल कॉल पॉइंट के बारे में पढ़ा हमने, होज रिल के बारे में पढ़ा, फिर बाद में होज बॉक्स में के अंदर क्या है, कैनवास होज पाइप में क्या है, मेल कपलिंग फीमेल कपलिंग और ब्रांच पाइप, ये सब चीज़ें हमें हमारा इक्विपमेंट है बराबर, हमने जो वहाँ पे फिट किया है वो इक्विपमेंट है, वो उसके बारे में हमने जानकारी ली। लेकिन ये हफ्ते में 10 दिन में ये उसको हम लोग क्या करेंगे, डेमो प्रैक्टिकल ये करके हम लोग रेडी रहेंगे। इफ एनी इंसिडेंट हैपन व्हाट वी विल डू, वी विल फाइट विथ दिस इक्विपमेंट्स। समझ गए सब लोग, ये इक्विपमेंट से हम लोग फाइट कर सकते हैं, इसके लिए हमको इसकी प्रैक्टिस भी करना चाहिए, हमको रेडी पोजिशन में रहना। रेडी पोजिशन कैसे रहते हैं, 68 डिग्री स्प्रिंकलर क्या होता है, स्प्रिंकलर शॉवर वाला बराबर है, उसके अंदर मर्क्यूरी ट्यूब होती है। लेकिन वो कब, पहले स्मोक डिटेक्टर से हमने हमको पता चला, फिर बाद में आग लग गई है हम लोग बुझा नहीं पा रहे हैं, और स्प्रिंकलर बाद में क्या काम करेगा, हीट जनरेट हुआ और 68 डिग्री क्रॉस करने के बाद वो ट्यूब फट जाएगी और पानी बहना चालू हो जाएगा, सराउंडिंग एरिया से पानी बहना चाहिए, हमको कुछ करना नहीं। समझ गए, और हीट होने के बाद वो तुरंत उसका काम करेगा, पानी से आग बुझना चालू हो जाएगा। कई पे भी हुआ रहेगा, इंसिडेंट हुआ रहेगा, ये क्रॉस करने के बाद स्प्रिंकलर ऑटोमेटिक चालू होना चाहिए, तो ये काम अपना उसका होता है, वो नुकसान ज़्यादा होता है, पानी फैल जाएगा और सब जगह पे खराब हो जाएगा। तो इसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर से पहले आग बुझाओ, नहीं तो आगे चल के तो ऑटो में जो काम कर रहे हैं वो होगा ही वो। फिर उसके बाद में हमारे पास क्या है, और क्या हमारे पास क्या है, हीट डिटेक्टर। समझ गए, और हमारे पास अपना इक्विपमेंट कौन सा है, होज रिल है। अभी उधर जाना है क्या, कहीं इतना ही नहीं जा सकते ना। हमारे पास ऑडी में देखो, अभी कहीं पे भी अगर लगता है सीट जल रही है, वहाँ पे क्या हुआ, आग लग गई, शुरुआत हो गई, पर स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट हुआ, ये सब हुआ, तो हमको क्या करना है, होजरील को ओपन करना है। मालूम है ना, होजरील रबर का होता है वो, मालूम है ना, ब्लैक कलर का, आगे क्या रहेगा उसका, वॉल रहता है ऑन ऑफ करने के लिए। जैसे ही जहाँ जहाँ पे हुआ है, अभी लगता है कि वहाँ पे हुआ है, तो चलो एग्जिट गेट पे, गेट के सामने ही अपना होजरील का ये है ड्रम है, वो ड्रम घुमा के होजरील को लेके दौड़ के आगे बढ़ने का, और जहाँ पे आग लगी है उस जगह पे एम करने का, और पाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, आग बुझा सकते हैं बराबर। उसको कौन सा, उसका आगे क्या लगा, शटअप नोजल क्या है, हमारे यहाँ पे नोजल है, तुम्हारे यहाँ पे ये है ना, वॉल है अपना, वॉल ऐसा बंद करना है, चल कल किया था ना अपन परसों, वॉल है वो ऐसा है, वॉल है, तो वो वॉल को ऑन करेंगे, पानी आना चालू हो जाएगा। हमारा जहाँ से ड्रम है वहाँ पे वॉल ओपन करना है, और आगे का वॉल ओपन करने के बाद पानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, आग बुझा सकते हैं बराबर। तो ये होजरील का काम हुआ। उसके बाद में हमारे पास क्या है, दूसरा एक बाजू में बड़ी आग लगी है, ये पानी का डायमीटर कितना रहता है पाइप का, और फिर कैनवास होज पाइप उससे बड़ा रहेगा ये साइज में, बराबर कि नहीं, 30 मीटर का रहता है, 30 मीटर का वो रहता है, लेकिन वो फ्लैट रहता है, उसमें 10 केजी से तक प्रेशर हम लोग दे सकते हैं, हम लोग तो देते ही हैं, 10 केजी तक प्रेशर देते हैं, और क्या होगा, उसको यूज़ करने के लिए हमको स्टैंड बाय फायर हाइड्रेंट राइजर होता है, क्या होता है, स्टैंड बाय फायर हाइड्रेंट। अभी होज बॉक्स है, फायर होज बॉक्स में क्या रहता है, दो, कौन बता सकते, क्या बता सकते उसमें, फायर होज बॉक्स में क्या होता है, लाल बॉक्स में वो पाइप रहता है, व्हाइट वाला, कौन सा वाला पाइप, व्हाइट वाला पाइप को क्या बोलते हैं, कैनवास होज पाइप बोलते हैं। अभी एक कैनवास होज पाइप के आगे क्या होता है, कैनवास होज मेल कपलिंग, क्या होता है, मेल कपलिंग, उसके नीचे फीमेल कपलिंग, और उसके ऑपोजिट क्या रहेगा, फीमेल कपलिंग। समझ गए, मेल कपलिंग आगे रहेगा, फीमेल कपलिंग पीछे रहेगा,
और आगे जो फीमेल कपलिंग है, अभी स्टैंड बाय फायर एंड राइजर में क्या रहेगा? मेल रहेगा फीमेल रहेगा? स्टैंड बाय फायर एंड एक जगह पे जो स्टैंड है रेड कलर का जो पाइप है उसको वॉल होता है, उसको क्या अटैच करेंगे हम लोग? ऑलरेडी फीमेल है, उसको फीमेल को फीमेल नहीं अटैच होता है, फीमेल को मेल। अभी जो ये होल है वो फीमेल है, उसके अंदर लक्स है, समझ में? तो मेल कपलिंग जो कैनवास हाउस पाइप में जो मेल कपलिंग है उसको फीमेल कपलिंग के अंदर डालना है। क्या करना है समझ में? फीमेल कपलिंग में डालना है। पर वो हो गया मेल और फीमेल। अभी आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा? फीमेल कपलिंग आगे जाएगा, वो फीमेल कपलिंग जाएगा, उसके उसके आगे क्या निकलेगा, क्या लगाएंगे हम लोग? नोजल, यानी ब्रांच पाइप बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? नोजल, नोजल ब्रांच पाइप, ब्रांच पाइप, ब्रांच पाइप बोलते हैं जो आगे जो लगाते हैं हम लोग, वो ब्रांच पाइप लगाते हैं और वो फीमेल कपलिंग को अटैच होता है। ब्रांच पाइप ये मेल हुआ या फीमेल हुआ? दोनों। ब्रांच पाइप ये मेल हुआ, मेल क्योंकि वो फीमेल के अंदर जाता है, फीमेल के अंदर जाता है, यानी मेल कपलिंग जैसे ही हुआ और उसको अटैच करेंगे और उसको इस तरह से ये हुआ ब्रांच पाइप, ये हुआ, क्या हुआ? फीमेल कपलिंग हुआ, उसके अंदर से हम लोग आर डालेंगे और ये पोजीशन में हम लोग क्या करेंगे? पकड़ेंगे, ये पोजीशन में हम लोग पकड़ेंगे और आग बुझाएंगे, आग बुझाएंगे, वहां से कमांड देंगे पानी छोड़ो, वॉल ओपन करेंगे और फिर बाद में जहां पे आग लगी है वो दिशा पे एम करेंगे और पानी छोड़ेंगे। क्या छोड़ेंगे? पानी छोड़ेंगे। क्या छोड़ेंगे? पानी छोड़ेंगे। ओके ओके, ठीक है, सबको समझ में आया? समझ में आया सबको? हाँ, किसी को कुछ पूछना है? किसी को कोई शक? मेल कपलिंग, फीमेल कपलिंग, ब्रांच पाइप, कोई शक? होज रेल, समझ गए? अभी हमारा अगर हमारा ऑडी एम्प्टी होता तो हम वहाँ पे जाके यूज करके हम डायरेक्ट डेमो, लेकिन आपको समझ में आना, ये हो गया ब्रांच पाइप, ये कैनवास हाउस पाइप, इसको ऐसे पकड़ेंगे हम लोग और पानी छोड़ेंगे। क्या करेंगे? पानी छोड़ेंगे। ये पोजीशन में रहेंगे, एम एम द बेस ऑफ फायर, और पीछे से कमांड देंगे वॉल ओपन करो, वॉल ओपन करो, ओपन द वॉल, ओपन द वॉल, और पानी छोड़ेंगे, क्लोज द वॉल, क्लोज द वॉल। ये कमांड देना है हमको, नहीं तो हम अभी देखो मैं रेडी नहीं, ऐसे ऐसे कर रहा है, उसने पानी छोड़ा, पानी छोड़ मत, हाँ तो गया, तो ये बात है। तो इसके लिए हमको क्या करना जरूरी है? क्या करना जरूरी है हमको? हमको कमांड देना है। क्या करना है? कमांड देना है। कमांड देना। हम लोग मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? ओपन द वॉल, और फिर बाद में बोलूंगा अरे खत्म हो गया, चलो क्लोज द वॉल, क्लोज द वॉल, ओपन द वॉल, क्लोज द वॉल, ये हमारा कमांड हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि क्या है कि मैंने बराबर पकड़ा नहीं, उसके पहले उसने वॉल ओपन कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, बराबर? ओके, सबको समझ में है? कैनवास होज पाइप, मेल कपलिंग, फीमेल कपलिंग, ब्रांच पाइप, होज रील, ड्रम, ड्रम मालूम पड़ा आपको कैसा है? ड्रम मालूम है आपको? ड्रम में होज रील लपेटा हुआ रहता है, मालूम है ना? वो ड्रम जो रबर पाइप जो लपेटा हुआ होता है वो किस में लपेटा हुआ होता है? ड्रम में, ड्रम में, ड्रम में, रेड कलर का जो ड्रम है, मालूम है ना? है, ओपन है। हमको हमने क्या क्या हमने पढ़ा? फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में पढ़ा, ये एबीसी का फायर एक्सटिंग्विशर, ये कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर, उसके बारे में हमने क्या पढ़ा? स्मोक डिटेक्टर के बारे में पढ़ा हमने, स्प्रिंकलर के बारे में पढ़ा, मैनुअल कॉल पॉइंट के बारे में पढ़ा हमने, होज रील, होज रील के बारे में पढ़ा, फिर बाद में होज बॉक्स में के अंदर क्या है, कैनवास होज पाइप, कैनवास होज पाइप में क्या है? मेल कपलिंग, मेल कपलिंग, फीमेल कपलिंग और ब्रांच पाइप, ब्रांच पाइप, ब्रांच पाइप, ये सब चीजें हमें हमारा इक्विपमेंट है, बराबर? हमने जो वहाँ पे फिट किया है वो इक्विपमेंट है, वो उसके बारे में हमने जानकारी ली, लेकिन ये हफ्ते में 10 दिन में ये उसको हम लोग क्या करेंगे, डेमो प्रैक्टिकल ये करके हम लोग रेडी रहेंगे। इफ एनी इंसिडेंट हैपन व्हाट वी विल डू, वी विल फाइट विद दिस इक्विपमेंट्स, समझ गए सब लोग? ये इक्विपमेंट से हम लोग फाइट कर सकते हैं, इसके लिए हमको इसकी प्रैक्टिस भी करना चाहिए, हमको रेडी पोजिशन में रहना, रेडी पोजिशन कैसे रहते हैं?